वैश्विक कोरोना महामारी में जहां एक और फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा दिन रात आम आदमी की सेवा करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के आश्वासनों के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज में तैनात सफाई कर्मचारियों को वेतन मान को लेकर भद्दा मजाक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रंटलाइन योद्धाओं को EPF देने का ऐलान किया था। EPF के नाम पर उक्त कर्मचारियों के खाते में एक पैसा भी नहीं आया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक वर्ग एवं दलित समाज वर्ग के जिला संयोजक चमन राही ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां एक और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और पैरामेडिकल सहित सफाई कर्मचारियों को हौसला अफजाई के लिए सरकार को उनके खाते में पैसे काटने की बजाय उन्हें प्रोत्साहन के रूप में सफाई कर्मचारियों को कोविड काल में ड्यूटी देने पर 8,000 की जगह पैसे काट कर मात्र 4,000 दिए गए हैं। चमन राही ने पंजाब और हरियाणा सरकार की तर्ज पर उनको 15,000 प्रति महीना देने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वायदा किया है कि ऐसे सफाई कर्मचारियों के खाते में सरकार EPF डालेगी, तो वह घोषणा भी सरकार जल्द से जल्द पूरी करे, अन्यथा ऐसे मौके में उक्त कर्मचारियों के साथ सीधे तौर पर छलावा हो रहा है। मैं चमन राही, संयोजक दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग और पूर्व जिला परिषद सदस्य। हमने भारत सरकार से और राज्य सरकार से मांग उठाई है कि जो कोविड के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सफाई कर्मचारी सबसे पहले आते हैं, बार्ड बॉय आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं। तो हमें इस चीज़ का बड़ा मलाल है कि वो बेचारे इतने रात दिन मेहनत कर रहे हैं पिछले लंबे कई महीनों से, तो उनकी तनख्वाह से भी पैसा काटा गया गवर्नमेंट ने, जो कि उसकी हम निंदा करते हैं। जो लोग रात दिन लोगों की सेवा कर रहे हैं वो नहीं काटा जाए, और जो लोग सफाई कर्मचारी हैं या दूसरे वहाँ की जो उनकी कंपनियाँ हैं, न्यू विज़न कंपनी है, वहाँ पे इतनी घपलाबाजी चल रही है कि जो बेचारे वहाँ पे सैकड़ों सफाई कर्मचारी रात दिन काम कर रहे हैं, उनको वेतन तक नहीं दिया, उनको तनख्वाह नहीं दी, और वहाँ 1,000 या 2,000 उनको दे के उनका मुँह बंद किया गया। तो हम मांग करते हैं, हमारे जो NGO हैं सब मांग करते हैं कि सफाई कर्मचारी, बार्ड बॉय और सिक्योरिटी वार्ड, कम से कम कोविड में जो लड़ाई लड़े इनको 15,000 रुपये से ऊपर उनको पैसा दिया जाए, जैसे कि पंजाब और हरियाणा की तर्ज के ऊपर देते हैं, ताकि इन लोग अपना भला कर सके। और दूसरा, हमें इस चीज़ का बड़ा मलाल है भी आज हमारे बीच में 7 करोड़ एक महीने का खर्चा हो रहा है मेडिकल कॉलेज के ऊपर। तो इतनी खर्चा हो रहा है, 1,000 करोड़ पर उसमें खर्चा हुआ बनाने के लिए, तो उसको उसकी वहाँ पे आम OPD खोली जाए और लोगों को वहाँ राहत मिल पाए, क्योंकि उसके लिए UPA सरकार ने और पिछली वीरभद्र सिंह सरकार ने, कौल सिंह या दूसरे सारे लोगों ने बहुत, और आज की वर्तमान सरकार ने बहुत काम किया है, तो वो चालू किया जाए। तो हम चाहते हैं कि ये कोविड के अंदर वहाँ रहे या दूसरी जगह बदल दी जाए, लेकिन लोगों के लिए, भलाई के लिए ये शुरू किया जाए। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।